बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। कंगना राजनीति में कदम रखने से पहले ही अपनी बेहतरीन अदाकारी से तो लोगों के दिल में जगह बना चुकी है। हालांकि इस बीच वो विवादित बयानों के लिए भी काफी चर्चा में रही। राजनीति में उनके कदम पड़ते ही एक और विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते ने कंगना पर ऐसा बयान दे दिया है जो सोशल मीडिया के साथ ही सियासी गलियारों में बहस का मुद्दा है। सुप्रिया श्रीनेते ने 25 मार्च को कंगना की उम्मीदवारी की घोषणा के तुरंत बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में उन्होंने कंगना की तस्वीर के साथ कुछ ऐसा लिख दिया जो किसी भी महिला के लिए काफी अपमानजनक है। हालांकि कुछ देर बाद ही सुप्रिया ने अपने अकाउंट से इस अनुचित पोस्ट को हटा दिया था, लेकिन तब तक उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। अब भले ही सुप्रिया श्रीनेते ने इस आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर दिया है और अपनी सफाई भी दे दी है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने उनके बयान को लेकर हमलावर रुख अपनाया हुआ है। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर श्रीनेते के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुप्रिया श्रीनेते को जवाब देने में कंगना भी पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर ही अपने करियर के बारे में और अपनी फिल्मों के बारे में, अपने किरदारों के बारे में सुप्रिया को चेताया है और उन्हें याद दिलाया है कि किस तरह से बॉलीवुड के 20 साल के करियर में उन्होंने बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे अलग अलग किरदार निभाए हैं। और सुप्रिया श्रीनेते का ये पोस्ट उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हालांकि चुनाव को जानने वाले और करीब से समझने वाले लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।